सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल, बेल बटन पे क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महिंद्रा गुरु दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ mahindra.com। और जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के सेशन में देखिए, यूपी पुलिस में मैथ्स प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए पार्ट थ्री। देखिए पार्ट थ्री की अगर मैं बात करूं, यहां पर जितने लोग मेरे साथ में जुड़े हैं यूपी पुलिस के, जितने सवाल महत्वपूर्ण होते हैं उन सारे सवालों को मैं डिस्कस करना चाहता हूं। और आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। पिछले दो पार्ट में हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि चीज़ों को हम लोग बहुत सिंपल रखते हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है हम लोग बिल्कुल एज इट इज करेंगे। लॉजिकल माइंड थोड़ा सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में, नथिंग एल्स, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। और लॉजिकल कॉन्सेप्ट अगर हमारा सही है तो हम लोग क्वेश्चन को ईजिली निकाल रहे होते हैं। आइए बच्चे कुछ और सवालों को देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास में ये है जो मैं कल आपको होमवर्क के लिए देके गया था, और कल मैंने इसका तरीका भी आपको बताया था कि अगर दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल हो तो तरीका क्या होता है। कुछ लोग नंबर पे कैलकुलेट करते हैं, मैंने कहा था कि रेशियो मेथड से इसको हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। आइए सॉल्व कैसे करते हैं, हम चाहेंगे स्क्रीन को पूरा विजिबल कर दें हमारी टीम, और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि शॉपकीपर सेल्स टू मोबाइल, इतने का बेचता है एक, पहले वाले पे 15% का प्रॉफिट, दूसरे वाले पे 20% का लॉस। अब देखो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/20, और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब बहुत ध्यान से सुनना, 15% की वैल्यू होती है 3/20, तो मैं क्या करता हूँ, देखो वही सेम कॉन्सेप्ट, सीपी प्रॉफिट या लॉस, और इसको लिख दो एसपी, पहले बता चुका हूँ। तो नीचे वाला डिनोट करता है हमेशा किसको, कॉस्ट प्राइस को। तो 20 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो +3, और एसपी कितना हो जाएगा 23। समझ में आ गया सबको। दूसरे वाले केस में ये 5 का मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस 5 है, 1 रुपये का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 4 रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेम, तो यहाँ मल्टीप्लाई 4 से करो, यहाँ मल्टीप्लाई 23 से, पूरे की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे की। तो जब पूरे की करो कितना हो जाएगा बेटा 80, ये हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 92। इसकी 23 से करोगे ये 115 माइनस का 23, और ये कितना हो जाएगा बेटा 92। अब आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, दोनों की जो सेलिंग प्राइस थी वो क्या होगी हमारी, सेम हो गई। अब कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस, आप देखो 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ लेकिन 23 रुपये का लॉस, तो 11 रुपये का तो बेटा उसको लॉस हुआ है, 11 रुपये का तो लॉस हुआ है। और लॉस किस पे काउंट होगा, हमेशा सीपी पे काउंट होगा। सीपी कितना है, यहाँ से निकालिए 8 और 1 9, मतलब 195 × 100। तो अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, अप्रॉक्सीमेट कितना आंसर आपको देखने को मिलता है, ये तकरीबन 1100 हो जाएगा, और ये आपका 200। तो 200 की मल्टीप्लाई अगर आप 5 से करोगे तो 1000, तो 5 point something आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, 5.5 के अराउंड इसको आंसर देखने को मिल जाएगा। जितने लोगों ने आंसर किया उनको बता दें सब लोगों को कि चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, एग्जाम में आए इस वैल्यू से आपका कोई मतलब नहीं होता है। आप चीज़ों को बस देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला कल बताया था मैंने, उसमें तो बहुत सिंपल है। तो कॉस्ट प्राइस में तो क्या करते हैं, P1 + P2/2। अगर यही क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस में होता तो 15 - 20 मतलब 2.5 आंसर हो जाता, लेकिन ये सेलिंग प्राइस में है तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, रेशियो मेथड लगा के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बार जान लें सब लोगों से गाइस, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सब लोगों को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके लिखिए कि यस सर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। एक सवाल अब एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए, और सब लोगों को बता दें कि ऐसे क्वेश्चन को हल्के में ना लें, ठीक है। चलिए वन मोर क्वेश्चन गाइस, और एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन की बात करें देखिए क्या कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹96 अ पर्सन गेन such that the percentage gain equal to the numerical value of cost price of the article, the cost price of the article is, देखो एक वस्तु है उसको 96 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ प्रतिशत होता है, यानी जो लाभ जो होता है, लाभ उसके क्रय मूल्य के संख्यात्मक के बराबर होता है। देखो तो क्या कह रहा है, परसेंटेज गेन, यहाँ पे समझ लीजिएगा लाभ प्रतिशत है, ठीक है, यानी ये कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीपी है बेटा। अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है तो 20% का मतलब कि सीपी जो है वो भी 20 है, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो प्रॉफिट लाभ प्रतिशत यहाँ पे मिसिंग हो गया है शायद, इसको लिख लीजिएगा हिंदी में लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ मत समझिएगा, लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है, उसके क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है।
अगर सीपी 100 रुपये है तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना हो रहा है, 100 रुपये हो रहा है, ये उसने क्वेश्चन में कहा। अब बेसिक से कैसे करेंगे, देखो अब बेसिक से पहले कैसे करेंगे, तो आप बेसिक से करोगे तो क्या करोगे, कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सीपी इज इक्वल टू एक्स, यही कह रहा है वो। अब फॉर्मूला देखो, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू होती है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का मतलब है एक्स, प्रॉफिट की वैल्यू होती है एसपी माइनस सीपी, कितना है एक्स, और अपॉन में भी कितना हो जाएगा एक्स इंटू 100, और सेलिंग प्राइस कितनी गिवन 96। सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 96 माइनस एक्स, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा 100। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, देखो 96 माइनस एक्स किया था, ये हो जाएगा आपका 100x, ठीक है, और ये 9600 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू में 0। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर कौन कौन से मिलेंगे यहाँ से, 160 और माइनस का 60, तो ये वाला तो नेगेटिव में आ जाएगा, ये पॉजिटिव में, इसका मतलब जो x की वैल्यू आई वो आई 60, और यही आपकी क्या होगी सीपीबी, और यही आपका प्रॉफिट परसेंट, दोनों यहाँ से क्लियर हो गया। तो एक तरीका तो बिल्कुल बेसिक तरीका है, जो किताबों में लिखा होता है वो तरीका है आपका बेसिक मेथड, लेकिन बेटा एग्जाम में आएगा तो ऐसे फॉलो नहीं करना, क्योंकि बेसिक मेथड के साथ साथ हमको टाइम बहुत लगता है, और ये क्वेश्चन इतना है भी नहीं कि हम इसमें टाइम दें। तो अब सवाल ये उठता है कि इस क्वेश्चन को जब ऐसे नहीं करना है तो फिर कैसे करना है, तो एग्जाम में आएगा तो बेटा ऐसे फॉलो मत करना। इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट फंडा समझा रहा हूँ क्या है, देखो जब प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी के बराबर होता है, क्या कहा मैंने कि जब भी बेटा प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होता है, सीपी के बराबर होता है, तो आपको क्या करना है, जो सेलिंग प्राइस आपको गिवन है वो कितना गिवन है 96, इसके दो फैक्टर करो, वो दो फैक्टर बेटा ऐसा करना है कि इनका डिफरेंस हमेशा 10 होना चाहिए। आप फैक्टर दो बनाइए, मान लीजिए इसका फैक्टर 12 भी बन सकता है, 8 भी बन सकता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, तो हमें फैक्टर ऐसे लेने जिनका डिफरेंस 10 हो, तो डिफरेंस कौन कौन से हमको मिलेगा, एक मिलेगा 16 और एक मिलेगा 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10, तो दो नंबर हमें कौन कौन से मिले 16 और 6, तो दोनों में 0 लगा दो या 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 160 और ये कितना हो जाएगा 60, जो छोटा नंबर होगा वही आपका सीपी होता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को एक बार फिर जान ले कमेंट बॉक्स पे, कोई डाउट किसी के मन में हो तो पूछ सकता है हमसे, यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं सेशन में, कोई डाउट किसी के मन में हो बिल्कुल वो पूछ सकता है। बता दें कि कोई भी नंबर आए उसको फैक्टर करने, फैक्टर का डिफरेंस हमेशा 10 होना चाहिए, और जो छोटे वाला नंबर होगा उसमें 0 लगा दो सीपी, ये कंडीशन तब है जब प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होगा, सीपी के बराबर होगा, ठीक, ये कंडीशन तब लगेगी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सवाल पे बात करते हैं बेटा, तो एक और सवाल पे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप पहले इसको पढ़िए, वीडियो को पहले पॉज कीजिए, पहले आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आइए देखते हैं, देखो क्या कह रहा है बेटा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल, दोनों की कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है, पहले वाले पे 40% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे वाले का जो सेलिंग प्राइस है वो 25% कम है पहले से, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब यहाँ पर भी बहुत सिंपल चीज है यार, कि देखो पहले वाले का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये, तो बेटा दूसरे वाले का भी कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100 रुपये, क्योंकि दोनों की कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। जब पहले वाले पे 40% का प्रॉफिट हुआ तो पहले वाले का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 140 रुपये। भाई 40% का प्रॉफिट हुआ तो 40 रुपये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, तो 100 रुपये में 40 रुपये जोड़ दो, 140 रुपये का वो बेच रहा है। अब दूसरे वाले का जो सेलिंग प्राइस है वो 25% कम है पहले से, तो बेटा इससे 25% कम है, इसका 25% मतलब 1/4, वो कितना होता है 35 रुपये कम है, जब 35 रुपये कम है कितना हो जाएगा 105 रुपये, तो ये दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस हो गया। तो दूसरे वाले के सेलिंग प्राइस, दूसरे वाले के कॉस्ट प्राइस, कह रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट कितना होगा, देखो 40 रुपये का यहाँ से हुआ 5 का, 45 रुपये का प्रॉफिट हुआ पूरे, किस पे 200 पे इंटू 100। सॉल्व किया बेटा तो आंसर मिला 22.5%, ठीक, जितने भी लोगों को डाउट हुआ सबको बता दें 22.5% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पे ना तो एक्स मान के करना ना वाई मान के करना, इधर चीजों को समझना, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। कई बार देखो बहुत इजी क्वेश्चन को बहुत टफ कर जाते हैं, टफ कैसे कर जाते हैं, हम उस पर बहुत कुछ सोचने लगते हैं और जिससे जो हमारा टाइम होता है वो खराब हो जाता है। आप सिंपल रखिए क्वेश्चन को, आपने 100 माना, 140 हो गया, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, फिर आपने सॉल्व किया। कुछ बच्चे इसको रेशियो मेथड से भी लगा लेते हैं, तो देखो आंसर दोनों से आएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इसको रेशियो से कर रहे हैं कि आप इसको 100 मान के कर रहे हैं,
जिससे आपको जल्दी लगे आप वो करिए, दोनों मेथड अच्छे होते हैं बेटा, ठीक है। चलो एक सवाल पे और बात करते हैं इसी पे, आइए देखते हैं, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, अभी देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसी तरह ये क्वेश्चन था कि जब दोनों की सेलिंग प्राइस सेम होती है, दोनों की क्या है बेटा, सेलिंग प्राइस सेम है, और कह रहा है कि पहले वाले पे 20% का लाभ हुआ, दूसरे वाले पे कितना लाभ या कितनी हानि हो, कितना लाभ होगा कि ओवरऑल 50 का लाभ हुआ। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है यूपी पुलिस में, कई बार से मतलब मैक्सिमम बार आपको देखने को मिलेगा। अब बच्चा सोचेगा सर 5 to 5 600 को कैसे यूज़ करेंगे, तो इस क्वेश्चन में ऐसे यूज़ नहीं करना है। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड क्या होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको बहुत बेसिक से बताऊंगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो एक आदमी आर्टिकल बेचता है और दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, पहले वाले पे 20% का प्रॉफिट हुआ। देखो 20% की प्रोडक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो बेटा बहुत ध्यान से सुनो, ये सीपी हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, ये एसपी हुआ। तो जब 5 रुपये सीपी है, देखो ये 1 रुपये का लाभ हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 6 रुपये बेटा। अब दूसरे वाले आर्टिकल की सेलिंग प्राइस भी कितनी होगी, 6 रुपये, दोनों की सेम है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 12 रुपये। ये भी बात सही है भाई, 6 रुपये पहले वाले की, दूसरे वाले की भी 6 रुपये, क्योंकि दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। अब टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई बेटा, 12 रुपये हो गई, और जो ये 12 रुपये सेलिंग प्राइस हुई है, इसी पे उसको 50% का प्रॉफिट हुआ है। तो जब 12 पे 50% का प्रॉफिट हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि किसकी वैल्यू, 150% की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 8 रुपये। तो 8 रुपये जो निकल के आया, वो निकल के आया आपका टोटल कॉस्ट प्राइस 8 रुपये। तो जब पहले वाले आर्टिकल 5 रुपये का होगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला कितने रुपये का होगा, 3 रुपये का, सही है भाई। फिर दोबारा समझो, 6 + 6 कितना हो गया, 12 रुपये जो है वो टोटल सेलिंग प्राइस है कि 12 रुपये है। जब 12 रुपये टोटल सेलिंग प्राइस और 50% का ओवरऑल प्रॉफिट किस पे होगा, 12 पे तो हो रहा होगा, यानी 150% की वैल्यू कितनी है, 12 है, 100% कितना हो जाएगा, 8। तो 8 रुपये टोटल कॉस्ट प्राइस है, जिसमें से 3 रुपये क्या होगा, दूसरे वाले की कॉस्ट प्राइस, और जब 6 रुपये सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 रुपये का। तो कह रहा है कि सेकंड वाले पे कितना प्रॉफिट हुआ, सेकंड वाले पे 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पे, 3 पे, इंटू 100 करोगे तो बेटा आंसर मिलेगा आपको कि 30 सेकंड आर्टिकल पे उसको 100% प्रॉफिट हुआ। तो लॉजिकल क्वेश्चन था, वैल्यू से देखो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं जब हम देखते हैं कि हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, और हम क्वेश्चन में चीज़ों को बस समझते हैं और हमारा आंसर जल्दी आ जाता है, ठीक। चलिए आइए बेटे एक सवाल पे और बात करते हैं, और देखते हैं कि एक सवाल और आपके सामने कैसा है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल माना जाता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है आप देखिए कि 90 रुपये कम किया, इसको परसेंट में कम किया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले सवाल को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, खुद से देखो, खुद से ट्राई करो, नहीं बनेगा तब मैं बताऊंगा। देखिए राजेश सेल्स एन आर्टिकल एट 12.5% प्रॉफिट। देखो बेटा 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, वो होती है 1/8। 1/8 का मतलब ये है बेटा कि सीपी जो है आपका वो 8 रुपये हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी बेटा, 9 रुपये, सही है। फिर वो कह रहा है कि आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को 25% कम कर दिया, इस वाले पार्ट को, 8 रुपये को आपने क्या किया, 25% कम, तो 25% इसका कितना होता है, 1/4 का मतलब 2 रुपीज़ कम किया, तो नया वाला जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 6 रुपये होगा, सही है, नया वाला कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 6 रुपये। अब इस नए वाले पे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 20% कितना होता है, 1/2, तो 1/2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 7.2, यानी नया वाला जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 7.2। तो आप थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ कि पहले सेलिंग प्राइस 9 रुपये थी, अब कितनी हो गई बेटा, 7.2 हो गई, तो सेलिंग प्राइस में कितनी कमी हुई है, 1.8 रुपये, और सेलिंग प्राइस में यहाँ कितनी कम हुई है, 90 रुपये, तो 1.8 कितना हो जाएगा, 90, 1 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 50, तो 1/50 क्या पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, दैट इज 9, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 450। तो कई बार इस क्वेश्चन में पूछता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो बच्चा पता नहीं क्या तरीका लगाता है। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लॉजिकली चीज़ों को समझें, विजुलाइज करें, और आप क्वेश्चन को देखें कि आप क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व कर पाए, क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए एक और सवाल को आइए देखते हैं बेटा।
अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन को भी अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बनते हैं, कई बार एनालाइज हो जाते हैं। और ये यूपी पुलिस के लिए देखिए इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप बहुत टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एग्जाम में आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे, इससे भी बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे आपको। बस ये वीडियोस आपको कॉन्सेप्ट दे रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली हर तरह के सवालों को डील कर रहा हूँ ताकि कोई सवाल छूट ना जाए, ठीक है। चलो इसको देखो, पहले खुद से करो बेटा, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या है। चलिए आइए देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए इज इतना, अब देखो ठीक है, आगे पढ़ो। कॉस्ट प्राइस ऑफ द अनदर आर्टिकल बी इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए कितना मान लो बेटा, 100 रुपए, तो एसपी ऑफ आर्टिकल ए कितना हो जाएगा, पहले वाले पे 40% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 120 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी आर्टिकल कितना हो जाएगा, 120, यस और नो, क्योंकि 20% ज्यादा है इससे, ठीक, और 35% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 30% का मतलब 120 का 135/100, तो 20 से काट लो, 20 से 6 बार, 20 से बेटा 5 बार, 5 से काट लो, 5 × 10 = 27, तो कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 42, मतलब 162, ठीक है बेटा। तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया आपके पास में, 162। क्या किया मैंने, देखो पहले वाले का 100 मान लिया तो 120 इसका कॉस्ट प्राइस, ये 40% का प्रॉफिट हुआ 140, 35 का प्रॉफिट हुआ 35, इस पे कैलकुलेट होगा 120 पे 162। अब गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो 140 की जो वैल्यू है, देखो 140 की जो वैल्यू है वो आपको 1120 गिवन है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8, तो 162 बराबर कितना हो जाएगा, 162 × 8, 8 × 2 = 16, 8 × 6 = 48, 49, 8 × 8 = 12, 1296 will be the right answer, clear। तो जनरली ऐसे सवाल बहुत एग्जाम में आते हैं, आप लोगों को बस मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कैसे करना है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मेरे SBI के वीडियोस भी देखा करो, उसके अलावा यूपी पुलिस के लिए आप और आपको हेल्प मिलेगी, उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन को भी डिस्कस करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देके जा रहा हूँ, SSC में पूछा गया सवाल था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और बताना इसका आंसर क्या होगा। फिर मुलाकात होगी सोमवार से, जैसे ही इंटरनेट कनेक्टिविटी सही हो जाएगी हम लोग आपके साथ में लाइव सेशन रखेंगे जिसमें हम ऑल डाउट्स को भी लेंगे, अदरवाइज हम लोग आपको ऑफलाइन मोड पे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, वीडियोस को बंद करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, तो हम लोग आपको ऑफलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए परेशान ना होया कीजिए। जब जैसे ही हम लोग लाइव करना शुरू कर देंगे तब टाइमिंग आपका रहेगा मैथ्स का 2 बजे का, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और एग्जाम को बराबर देखते रहिए कब एग्जाम होना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।